my damn face. Hello guys, this is Rahul. So आज हम सिंपल वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मेरा व्लॉग भी रहेगा एंड ये व्लॉग सिंपल रहेंगे मतलब ज्यादा बट द थिंग इज कि मैं आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड करूंगा नॉलेज की हम कैसे चेस्ट वर्कआउट कर सकते हैं कैसे एक अच्छी मसल बिल्ड कर सकते हैं विदाउट टेकिंग आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स यू नो क्योंकि बहुत लोग देखता हूँ कि मैं प्रोटीन लेते रहते हैं बट बॉडी नहीं बनती क्योंकि उनकी टेक्निक ही गलत होती है टेक्निक अच्छी होनी चाहिए तो मे बी आपका एक एस्थेटिक बॉडी बन सकता है जो अगर बल्किंग मोस्ट ऑफ द पीपल वो रहते हैं कि उनको लगता है कि पहले बल्क नहीं ये करना ही नहीं है क्योंकि मैंने करके देखा है क्योंकि अगर हम बल्किंग करते हैं मेरा ट्रेनर था एक बहुत पहले उसको कुछ नॉलेज नहीं था बट वो करता रहता था ये सब एंड उसने मुझे बल्किंग का बोला और जब मैंने बल्किंग स्टार्ट करी तो मैं सिर्फ भैंस की तरह खाता था और मैं बहुत अजीब हो गया था तो मुझे लगता वैसा होना चाहिए बट मैं आपको एक प्रॉपर डाइट बताऊंगा कैसे जिससे आप एक अच्छी एस्थेटिक बॉडी बना सकते हो मेरे जैसी एंड अगर आप मेरे चैनल पे अभी आए हो और देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक ऑल्सो एंड मेरा इंस्टाग्राम इधर आएगा मैं आपको बता दूंगा प्लीज़ फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे एंड आज हम पूरा चेस्ट वर्कआउट रिकॉर्ड करेंगे और पूरा व्लॉग उसके ऊपर आएगा मैं आपको जिम भी दिखाऊंगा और जो मेरे साथ पार्टनर है उसकी भी बॉडी बहुत अच्छी है वो भी आएगा तो आज हम सारा रिकॉर्ड करेंगे और मैं सिर्फ आज बिगनर लेवल का बता रहा हूँ जब हम एक प्रोफेशनल लेवल का स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी मेरा चैनल की स्टार्टिंग है मैं धीरे धीरे एक पूरी अच्छी बताऊंगा कि लाइक कैसे हर चेस्ट के पार्ट को कवर करें बट मैंने देखा है कि बहुत लोग सिर्फ अभी कहते हैं एमेचर ही हैं सो उनके लिए एक बिगनिंग स्टाइल है तो आज हम पूरा रिकॉर्ड करेंगे सो अब मिलते हैं जिम में सो ये हमारी जिम है हम एंटर कर रहे हैं जिम में ये हमारे सुरेश भाई जिम है सी भाई की बॉडी खतरनाक है कुतिया साला कुछ भी जिम में ये देख इसको देख इतने अबे साले ये पूरी जिम हमारी अभी सब एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी हम लोग करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से शूट करेंगे इधर बहुत भैया भी आने वाले हैं अभी पता है ये देखो 10,000 में टिप्स ही आते ये भाई क्या ये हमारी व्लॉग बनाएंगे आज अभी हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे अभी भाई आ जाएगा बस 2 मिनट में आ रहा है वो जब इतना मैं वार्म अप बना इतने हम वार्म अप स्टार्ट करते हैं है ना भाई कैमरा संभाल तो अभी हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे में कुछ नहीं है जस्ट लाइक हम थोड़ा पुश अप्स एंड प्रेस करेंगे इसको बोल रहे हैं अभी के लिए 20-30 पुशअप्स ताकि आपको थोड़ा चेस्ट का काम करें अब बोल एंड पुशअप लाइक 20 पुशअप और मैं इस टाइम करण औजला सुनता हूँ करण औजला एक थोड़ी मैच का बैठ गया ठीक है भाई और भी जा रहे हैं मैट्रिक
वो सोचते थे कि इस टाइम अकेला, मैं भी सोच के आ रहा कि मैं अकेला रहूँगा, बट अभी गाने भी चल रहे हैं, क्या हेडफोन भी जुड़ रहे हैं। अभी मेरा एक दोस्त आने वाला है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो भाई ये आ गए हैं भाई, जो सीधा पीआर मारेंगे पहले। इनकी हरकतें वैसे खराब रहती है ज्यादातर। ये देखो 40 लगना नहीं है इस पे, बस लगा लेना इसने। और 14 आदमी है भाई, क्या बोले भाई, वेट ढूंढता फिर रहा है ऐसे। तुम्हारा भाई भी ट्राई करेगा, अगर बीच में ब्लॉग खराब कर रहा है बस कोई नहीं। मैम ताकि बेंच प्रेस के बाद, लाइक बेंच प्रेस के बाद हम इंक्लाइंट पे जाएंगे। अभी ये पूरा पीआर उठा रहा है, इसका जो भी वेट है इसके बीच में आ गया, सॉरी बट इसका दिखाना पड़ेगा वरना ये नाराज़ हो जाएगा। लगेगा नहीं इस पे, मजाक कर रहा है ये या मैं मजाक कर रहा हूँ। मार देता भाई, सिखाया हुआ है मैंने अच्छे से, ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। वेट मारना फट चुकी है। ये गन फट गया। ये हम कर रहे हैं लास्ट सेट डट्टी का, इसके बाद हम इंक्लाइन पे जाएंगे, पहले इसका कर देंगे, देन हमारी बेंच खत्म हो जाएगी। इस साइड लाइट है, ज़्यादा मारता हूँ बट अभी मैं बिगिनर का बता रहा हूँ तो अभी मैं कम ही रख रहा हूँ। तो भाई का भी सेट है, उसके बाद हम इंग्लैंड पे जाएंगे सीधा। तो अभी हम लाइट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि रैप ज़्यादा मारना है, तो क्योंकि शेप अच्छी चाहिए तो लाइट से स्टार्ट करेंगे। ये 15 ही है, अभी भी मारते हैं बट सो क्योंकि बिगिनर लेवल के लिए ये टफ चीज़ है। Press it.
फ्रीज। लाइट है बस बस। प्रॉब्लम जो हैक्टिक एक्सरसाइज है उसमें बहुत काम पाता है भाई का, देखना कितना सही इसमें वो आता है। और इसको क्लोज से लेंगे भाई हम, लाइट आ रही है लाइट पे ले। हाँ अब भाई का क्लोज से शॉट ले भाई, बहुत प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है। लास्ट एक्सरसाइज है, बहुत तंग कर दिया। वेट पर बटरफ्लाई, वेट पर चिप पड़ गया। हमने कुछ शॉट मिस कर दिया क्योंकि अभी हमारा टाइम भी नहीं है, तो हमने एक्सरसाइज पूरी करी। अभी जो लास्ट एक्सरसाइज है बहुत टफ होती है, बाकी जो बीच में फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे उसको तो। हाँ बस अब भाई सीधी पीआर मारने वाला है क्योंकि भाई बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा है। चलो देखते हैं इसमें भाई पूरे फाइबर भी दिखेंगे, पास से दिखा भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और जो कि पहला ब्लॉग है।